साल 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स और ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस साल भारत में मिस इंडिया की प्रतियोगिता में सुष्मिता ने ऐश्वर्या राय को हरा कर ये टाइटल अपने नाम किया था। दरअसल मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की विजेता मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट के लिए भेजी जाती हैं, तो वहीं उप विजेता को मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में भेजा जाता है। ऐश्वर्या की खूबसूरती देखकर फेमिना मिस इंडिया के आयोजक मान रहे थे कि ऐश्वर्या ही विजेता बनेंगी, लेकिन प्रश्नोत्तर में सुष्मिता सेन ने बाजी मार ली। ऐश्वर्या और सुष्मिता के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। आखिरी राउंड में दोनों से पूछा गया, यदि आप किसी ऐतिहासिक घटना को बदल सकती हैं, तो वो क्या होती। इस पर ऐश्वर्या का जवाब था, अपने जन्म का समय। तो वहीं सुष्मिता का उत्तर था, इंदिरा गांधी की मृत्यु। इस जवाब के बाद मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के इतिहास में पहली बार टाई ब्रेक हुआ। दोनों को 9.33 गुण मिले थे, इसलिए वापस सवाल पूछे गए। ऐश्वर्या से पूछा गया कि वो किस हॉलीवुड टेलीविजन अभिनेता को अपने पति के रूप में चुनेंगी और क्यों। इस उत्तर में ऐश्वर्या चूक गई। वहीं सुष्मिता से पूछा गया कि भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में वो क्या जानती हैं। सुष्मिता ने जवाब दिया, गांधी और खादी। इन सवाल जवाबों के बाद सुष्मिता सिर्फ 0.3 अंकों से जीत गयी और मिस इंडिया बन गयी।